भागलपुर के कचहरी चौक पर अनशन पर बैठे बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष को हटाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। इस दौरान न्यूज कवर कर रहे पत्रकार के साथ भी पुलिस वालों ने बदसलूकी की। पत्रकार के साथ मारपीट हुई है। अस्पताल में घुसने के लिए नहीं दिया जा रहा है, इलाज के लिए हमको रोका जा रहा है, सर पे लाठी मारी गई है हमको। हमको जाने दीजिए, पुलिस हमको नहीं जाने दे रही है अंदर, इलाज के लिए रोका जा रहा है। आप जिम्मेदारी लीजिएगा, क्यों रखेंगे हम कैमरा बाहर? आज जिम्मेदारी लेंगे। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे पिछले 3 दिनों से कचहरी चौक पर परबत्ती में मुहर्रम के दौरान बुढ़िया काली मंदिर पर हुए पथराव और मंदिर के गेट को उपद्रवियों के द्वारा क्षति पहुंचाए जाने की घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे, जिन्हें देर रात काफी संख्या में पहुंची पुलिस फोर्स के द्वारा हटाया जा रहा था। वहीं इस घटना का कवरेज कर रहे चैनल के पत्रकार के साथ भी पुलिस वालों ने बदतमीजी की। घटना में पत्रकार को चोट भी पहुंची है। चैनल के रिपोर्टर के साथ धक्कम धुक्की और बदतमीजी की, जिसमें उन्हें चोट पहुंची है। एकदम गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि ये लोग प्रशासन के लोग हैं। जिस प्रकार से आप सब कर रहे हैं, मां बहन कर रहा है, सीधे आप लोग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आरजेडी या जदयू ज्वाइन कर लीजिए, अगर वही काम करना है। आदमी बन के लोग काम कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से बैठा हुआ है लोग, तो उसको उठा के ला रहा है। भागलपुर में मुहर्रम के दौरान धार्मिक स्थल पर पथराव करने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। इसके बाद प्रशासन ने आपाधापी में घटनास्थल पर लोगों को शांत कराया था और FIR दर्ज किया था। पुलिस द्वारा धार्मिक स्थल पर पथराव करने वाले उपद्रवियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर 3 दिन से भाजपा के नेता रोहित पांडे आमरण अनशन पर बैठे थे, फिर भी पुलिस ने अभी तक उपद्रवियों को गिरफ्तार नहीं किया। प्रशासन के रवैये को देखते हुए भाजपा नेता रोहित पांडे ने कई कार्यकर्ताओं के साथ बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस निकाला और पुनः धरनास्थल कचहरी चौक पर बैठ गए, जिसके बाद देर रात्रि 11 बजे के आसपास धरनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची और उन्हें जबरन धरनास्थल से उठाकर अस्पताल ले गई। धरनास्थल से सभी सामान को उठाकर ट्रैक्टर पर लोड किया गया। भाजपा नेता रोहित पांडे ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने जबरन गलत मनसा से उन्हें उठाया और अस्पताल ले गई। पत्रकार पर भी पुलिस ने धक्का मुक्की एवं लाठियां भांजी है। फिलहाल भागलपुर में धार्मिक स्थल पर पथराव मामले में स्थिति तनावपूर्ण दिख रही है। भागलपुर जिले के परबत्ती मोहल्ले में असामाजिक तत्वों के द्वारा बुढ़िया काली मंदिर पर हुए पथराव को लेकर लगातार बीजेपी आंदोलन कर रही है। वहीं बीती रात अनशन पर बैठे बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे और अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार करने आई थी। वहीं खबर कवरेज करने के दौरान पत्रकार के साथ धक्कम धुक्की की गई, साथ ही पत्रकार के साथ बल का प्रयोग किया गया। मामले को लेकर जिले के तमाम पत्रकार कचहरी चौक पर धरना पर बैठ गए। पत्रकारों ने भागलपुर के SSP से मांग की, जिसके निर्देश पर हमारे साथियों की पिटाई की गई है, उस पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। रात में जो है पुलिस यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए थे, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आई थी और मैं न्यूज कवर कर रहा था। इस दौरान पुलिस जो है मेरे साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया। पुलिस ने मुझे पीटा है, एक साजिश के साथ, षड्यंत्र के साथ जो है
पूरी प्लानिंग के साथ मुझे पीटा गया है और काफी संख्या में पुलिस वालों ने रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और स्थानीय पुलिस ने मुझे पीटा है। गंभीर चोटें मुझे आई है और मेरी मांग है यहाँ के वरीय पदाधिकारी से कि संजय सुधांशु के आदेश पर पुलिस ने लाठीचार्ज की है, उन्हें जल्द से जल्द निलंबित किया जाए। और ये भागलपुर के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस के ऊपर जो है पत्रकार के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये अमानवीय चेहरा पुलिस का है, इस पर रोक लगनी चाहिए और संजय सुधांशु को जल्द से जल्द निलंबित किया जाए। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून लुक सैलून। लुक सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं। तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सैलून अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज पर 20% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। भागलपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले को लेकर 5 दिन बाद जिले के SSP मीडिया के सामने आए और वो भी तब जब पत्रकारों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। जब मीडिया कर्मी सड़क पर उतरकर धरने पर बैठ गए तो SSP आनंद कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। SSP ने बताया कि पिछले 3 दिनों से धरना पर बैठे बीजेपी नेता का स्वास्थ्य खराब हो रहा था। डॉक्टरी जाँच के बाद उन्हें धरना स्थल से अस्पताल भेजा गया। इसी दौरान बल प्रयोग की बात सामने आई है, इसकी भी जाँच होगी। आखिर क्या वजह रही कि बल का प्रयोग करना पड़ा? देखिए, कल मध्यरात्रि में पुलिस के द्वारा एक विधि व्यवस्था संधारण के दौरान एक पत्रकार के साथ बदसलूकी और दुर्व्यवहार करने का मामला संज्ञान में आया है और इसके बैकग्राउंड के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि पिछले 3 दिनों से एक सज्जन हैं, उनके द्वारा एक घटना हुई थी पर्वती में, उसमें FIR भी दर्ज हुई थी, उसमें गिरफ्तारी की मांग को लेकर 3 दिनों से अनशन किया जा रहा था और वो सज्जन एक राजनीतिक दल के पदधारक भी रहे हैं और उनके 10-15 सहयोगियों के द्वारा वहाँ पे बैठ के और अनशन किया जा रहा था। और कल संध्या को डॉक्टरों की टीम ने उन सज्जन के स्वास्थ्य की जाँच की और उसमें उन्होंने पाया कि इनका जो वाइटल्स पैरामीटर्स होते हैं वो थोड़े से गिर रहे हैं और ख़राब दिशा में जा रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को फ्लैग किया और जब ये मामला संज्ञान में आया तो उनको मध्यरात्रि में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस की टीम गई और उनको वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाने लगा, जिसका विरोध जो उनके सहयोगी थे कुछ 5-6 वहाँ पे उनके द्वारा किया गया। तो उनको एम्बुलेंस से और उनके सहयोगियों को बलपूर्वक पुलिस की गाड़ी में बैठा कर और उनको थाने भेजा गया और जो सज्जन अनशन कर रहे थे उनको अस्पताल भेजा गया। उसी दौरान, उसी बैठाने के दौरान लोगों को एक राष्ट्रीय चैनल है, उनके एक पत्रकार हैं, उनके साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है और एक कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। और मैं यह चीज़ भी बताना चाहूँगा कि उसी जगह पर कचहरी चौक पर ही जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसका CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, उसका फुटेज भी हमारे पास संधारित है और इस पूरे मामले की जांच के लिए CTSP भागलपुर को अधिकृत किया गया है और यह पूरे मामले की वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध है, उसको अवलोकन करके और बाकी जितने साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके आधार पर जांच करेंगे और अगले 3-4 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और इसमें अगर किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही या जो भी उनका कृत्य है, अगर ये जानबूझ के उन्होंने किसी ने किया है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक इस पूरे मामले में कुल 27 लोगों को हिरासत में दिया गया है और उनको विभिन्न थानों में रखा गया है और उनके खिलाफ भी नियमानुकूल विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा रही है।
भागलपुर में देर रात भाजपा कार्यकर्ताओं एवं खबर को कवरेज कर रहे पत्रकारों के ऊपर भागलपुर पुलिस ने बलपूर्वक लाठीचार्ज किया। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि यह सरकार सिर्फ लाठी चलाने के लिए है। बिहार में लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त हो गई है। नीतीश सरकार सभी के साथ गुंडे जैसा व्यवहार करती है, यह लोकतंत्र की हत्या है। आगे उन्होंने कहा कि भागलपुर में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिस तरह शांतिपूर्ण आमरण अनशन किया जा रहा था, उसके बाद भी लाठी चार्ज किया गया, यह पूरी तरह निंदनीय है। बिहार में पूरी तरह लोकतंत्र समाप्त हो गया। नीतीश कुमार की सरकार लगातार अपराधी के तरह, गुंडे की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व वहां के प्रत्याशी रोहित पांडे, जो भागलपुर में शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उनको जिस तरह उठाकर पीटने का काम किया गया, लाठी चलाने का काम किया गया, मीडिया के साथी वहां उपस्थित थे उनको भी पीटने का काम किया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र को शर्मसार करा रहे नीतीश कुमार जी। लगातार जिस तरह बिहार में घटना घट रही है, नीतीश कुमार जी को नैतिकता यदि शर्म लगता हो तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। भागलपुर के कचहरी चौक पर आमरण अनशन पर बैठे बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे को अनशन से उठाने के दौरान पुलिस के द्वारा जमकर लाठी चार्ज किया गया। मामले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के निर्देश पर पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार भागलपुर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले लाठी चार्ज में घायल हुए संवाददाता से सदर अस्पताल में मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना, वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे से बातचीत की। पूर्व एमएलसी ने सरकार और जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उपद्रव फैलाने वाले लोगों को प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर रही, वहीं शांति पूर्वक उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अनशनकारियों पर पुलिस लाठी चार्ज करती है और अनशन पर बैठे लोगों पर ही मामला भी दर्ज करती है। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द नहीं की जाती तो इसके लिए पार्टी की ओर से आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश की ओर से हां उपस्थित हूं। अब इससे बड़ा आपको कोई समर्थन चाहिए? मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी के निर्देश पर यहां पहुंचा हूं और रोहित पांडे, ठीक है, हमारा एक एक कार्यकर्ता, जब सामाजिक सरोकार के कोई विषय पर कोई भी एक कार्यकर्ता अगर लड़ता है, आंदोलन करता है, अपनी बात रखता है, तो पूरी पार्टी उसके साथ है। इसलिए ये कहीं से ये प्रश्न आपका ठीक नहीं है कि भाजपा का समर्थन नहीं है या अलग से है, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी पार्टी साथ है। ठीक है, ये उसका नेतृत्व कर रहे थे, अब प्रशासन अगर नहीं सुनेगा तो पूरी पार्टी इस आंदोलन गिरफ्तारी का हम उम्मीद कर रहे हैं। अभी भी गिरफ्तारी होगी, मेरी बात एसपी से हुई है और उसके बाद मैं कह रहा हूँ, एसपी ने भी कहा है कि हम जल्द गिरफ्तारी करेंगे। मेरी फोन से आनंद जी से बात हुई है, यहाँ से एसएसपी हैं और उन्होंने कहा है, एसएसपी हैं यहाँ के, और उन्होंने कहा कि हम जल्द गिरफ्तार करेंगे और इसलिए आंसर उनको तोड़ने के लिए भी कहिए, तो ये हमें भरोसा है और एक बार हम चाहते हैं कि उनको मौका दें, लेकिन अगर वो गिरफ्तारी नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन होगा। फिर जरूरी था कि ताकि ये वहाँ के स्थानीय लोगों में, पूरे भागलपुर के लोगों में ये संदेश जाता कि पुलिस अपना काम कर रही है और जो लोग भी ऐसा काम किए हैं उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन जो वर्तमान में अभी बिहार में सरकार है, उस सरकार के, मैं समझता हूं और पूरे दावे के साथ कहता हूं, सरकार के इशारे पर ऐसे दोषी लोग जो एक खास समाज के हैं, सिर्फ उस समाज के होने के कारण उनको बचाया जा रहा है। और रोहित पांडे अगर इस बात की मांग कर रहे हैं तो उन पर आज केस हुआ, इनके साथ दर्जनों लोग जो धरना पर बैठे हुए थे शांतिपूर्वक तरीके से, उन पर केस हुआ है। पीआर वो पुलिस ने इनको बेल दिया है थाने से, तब जा करके आज यहाँ बैठे हुए मेरे बगल में। तो ये पूरी तरह से बिहार में जो एक आरोप लगता रहा और लोग बोलते हैं, जदयू के लोग, आरजेडी के लोग, ये भाजपा के लोग सांप्रदायिक हैं, लेकिन आज जो लोग सांप्रदायिक है उसको बचाने का ये प्रयास किया जा रहा है और जो लोग शांतिपूर्ण सद्भाव कायम करने के लिए उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे उस पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। पत्रकारों पर हमले हुए, पत्रकार को पुलिस पीटा है, जो पत्रकार इस चीज को कवर कर रहे थे उन पर भी चोटें आई हैं, उनको भी मारा गया है। सुने हॉस्पिटल में है ना, अभी सदर अस्पताल में भर्ती हैं। तो इस तरह से यहाँ की पुलिस और प्रशासन सरकार के इशारे पर ये काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इसे संज्ञान में लिया है और मैं यहाँ आकर के अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष और श्रीमान रोहित जी से बात करके, और हमने यहाँ कहा है कि इस अनशन को आप तोड़िए। हालांकि अभी भी वो इस अनशन पर हैं, कल इसको वो शांतिपूर्ण तरीके से
इस अनशन को समाप्त करेंगे। लेकिन हमारी यह मांग रहेगी कि इसमें जो लोग संलिप्त हैं, 29 तारीख को जो उस मंदिर पर जो हुआ है घटना, रोड़ेबाजी और हमला हुआ है, गेट तोड़ा गया है, उसमें जो संलिप्त लोग हैं उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो, और अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती है तो आज रोहित पांडे बैठे हैं अनशन पर, अब पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के जो लोग हैं जिनके आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिनके इस बात को भरोसा था जिनको कि अगर ऐसा कोई कार्रवाई होता है तो पुलिस तत्परता से कार्रवाई करेगी, जो हमला किया और जिस तरह से रोड़ेबाजी किया और हिंदू धर्म के आस्था का वह केंद्र है वहाँ पर, लोगों की आस्था का केंद्र है, उसके साथ जो घटनाएं उस दिन हुआ है उस पर आज तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं किया। रोहित पांडे हमारे यहाँ नेता हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, लोगों की भावना के कारण ये वहाँ जा करके उस स्थान पर और लोगों को शांत किया। लोग वहीं धरने पर बैठ रहे थे, आंदोलन वहीं शुरू हो सकता था, लेकिन उसको इन्होंने शांत करा करके और ये आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार पुलिस करेगी। लेकिन जब गिरफ्तारी नहीं होती है 31 तारीख को तक, तब 1 तारीख को ये धरना पर बैठते हैं उपवास पर और शांतिपूर्वक तरीके से, बिना कोई भाषण, बिना कोई बहुत बड़ा जमाबंदी, लोगों वहाँ जुट सकते थे लेकिन सबको रोका गया। जहाँ घटना हुई वहाँ से किसी लोग को यहाँ आने से मना कर दिया इन्होंने, और सिर्फ अपनी बात की जो लोग इस घटना में संलिप्त हैं उसी गिरफ्तारी हो। सबसे बड़ी बात की FIR भी हुआ है, 14 लोग उसमें नामजद हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की कोई कार्रवाई, प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसा कदम जो आम लोगों को यह आश्वस्त करे कि जिसने भी यह कुकृत किया है उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तत्पर है या कोई काम कर रही है, ऐसा प्रतीत अभी तक नहीं हो रहा है। जबकि उस गिरफ्तारी की मांग करने के लिए वाले लोगों पर क्या क्या हुआ, रोहित पांडे जी के साथ लाठीचार्ज हुआ, इनके साथ बैठे हुए लोग जो शांतिपूर्वक इस मांग को कर रहे थे उस पर लाठीचार्ज हुआ, इनको भी। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, दियारा व निचले इलाके के लोग बाढ़ से पहले तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन इस बीच एक खतरनाक तस्वीर भी सामने आई है जो दर्शा रही है कि पेट के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। दरअसल गंगा का जलस्तर बढ़ने से विक्रमशिला पुल के नीचे का हिस्सा टापू बन गया है, धीरे धीरे वो हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। आसपास के कई किसान खेती करते हैं लेकिन आने जाने का साधन बस नाव है और जलस्तर बढ़ने के बाद नाव भी सहारा नहीं बन पा रहा। ऐसे में लोग विक्रमशिला सेतु से 32 फीट नीचे खेत में पुल के रस्सी के सहारे उतरते हैं, छोटा हो या बड़ा सभी रस्सी के सहारे ही उतरते हैं। किसान नीचे से जलावन हटा रहे हैं ताकि पानी बढ़ने के बाद जलावन बच जाए, रस्सी के सहारे ही जलावन भी खींच रहे हैं। तस्वीर कहीं न कहीं डरावनी है क्योंकि 32 फीट की ऊंचाई से अगर रस्सी का पकड़ छूटा तो कितना बड़ा हादसा होगा इसका अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है। वहीं किसान अब बड़े नाव से मवेशियों को बाहर निकालने की तैयारी में है क्योंकि गंगा का यह हिस्सा पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा, जिसके बाद यहां किसानों की खेती भी प्रभावित होगी। आसपास के नाथनगर, परबत्ता, राघोपुर, महादेवपुर, बरारी के दर्जनों किसान सब्जियां उपजाते हैं, यहीं वो अपने मवेशियों को भी रखते हैं, हमेशा रस्सी के सहारे ही ऊपर जाते हैं, दूध, जलावन हो या सब्जियां सब रस्सी के सहारे ही खींचते हैं। अभी जलावन खींच रहे हैं, इतनी परेशानी होती है। हाँ, अरे बाप बोलिए मत, इतना परेशानी आता है कि कहने से बात। कैसे निकालते हैं? डोरी बांध करके खींचते हैं, बच्चा सबको डोरी से खींच लेते हैं, भैंस गाय हिला देते हैं गंगा से, हिला के उस पर। कहाँ के हैं आप लोग? वही राघोपुर। कहाँ कहाँ, किस किस गांव के लोग यहाँ पर? यहाँ है राघोपुर, बतरा, लालपुर, शंकरपुर, ननकार, कई लोगों का खेत। ये भी लोग का खेत है। क्या क्या रखते हैं यहाँ पर? क्या क्या रखते हैं खेत के साथ साथ, और क्या क्या होता है? यहाँ मकई बाग होता है, परवल होता है, हरी मिर्च लगता है, गाय भैंस लगता है, गेहूँ बुनता है। डरने लगता है इतना रस्सी से खींचना, क्या करिएगा? कष्ट हाँ करिएगा, नहीं तो खाइएगा कैसे? अभी पानी क्या बढ़ रहा है? हाँ पानी बढ़ रहा है, इसीलिए आप लोग। हाँ क्या नाम?
लाग बाद यहाँ चल लीजिए लाग बस दिक्कत हो जाए बहुत ही चैन तब कौन कैसे खींचे छो कैसे रस्सी से खींचे छो दूसरा नीचे रस्सी से खींचे छो पर उधर वो करे चानी वो रस्सी आए से परेशानी भी होता है तब ना हो जाओ परेशानी अभी पशु सबको कहाँ ले चल जाए अभी पानी भरते तब घर ले जाइए घर ले जाइए पानी भर ही रहल छै तब ला कि पानी का पानी भर ही रहल छै हां पानी भर ही रहल छै कौन चीज कम करे छै दूध के है दूध के कम करे छै ना हमने आते यहां तीन रोटी छै हमने आते भैंसी में चले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनहोला के समीप चल रहे रिमझिम क्लिनिक एवं बरसा बेबी केयर में अचानक पदाधिकारियों की छापेमारी की गई। अस्पताल में लाभुकों की शिकायत पर पदाधिकारियों की टीम ने अचानक छापा मारा। छापेमारी दल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनहोला के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार दास सनहोला अंचलाधिकारी कृष्ण मोहन कुमार के साथ पुलिस बल शामिल थे। टीम के पहुंचते ही अस्पताल के सभी डॉक्टर भाग गए। अस्पताल में बिना सर्जन तथा सुविधा के अभाव में एक दर्जन से अधिक महिला रोगी का सर्जरी किया हुआ पाया गया। अस्पताल में उपस्थित अप्रशिक्षित नर्स एवं कर्मी द्वारा रोगियों का इलाज किया जा रहा था। टीम के सदस्यों ने सभी रोगियों से पूछताछ की जिसमें काफी अनियमितता पाई गई। बंद कमरे में 2 घंटे तक चली जांच को दबी जुबान से कई लोगों ने बताया कि लगता है मामला गोल मटोल हो जाएगा। क्लिनिक से अस्पताल के सारे कागजात की जाँच की गयी। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संजीव कुमार दास ने बताया कि जांच के दौरान कागजात पाया गया जो सिविल सर्जन भागलपुर द्वारा रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस निर्गत हुआ है। सरकारी अस्पताल से सटे निजी क्लिनिक अस्पताल चलाने की बात पर स्वास्थ्य प्रभारी हिचक गए और बताया कि इस मामले में सिविल सर्जन से मार्गदर्शन लिया जाएगा। जांच के दौरान सनहौला अंचलाधिकारी कृष्ण मोहन कुमार डॉक्टर मोहन कुमार अस्पताल BCM आनंद कुमार राजस्व कर्मचारी संदीप कुमार अनुपम आलोक सहित थाना के पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ कई लोग मौजूद थे। जांच के बाद सनहौला अंचलाधिकारी अस्पताल परिसर पहुंचे और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से गुप्तगू किए जिसे देखकर लोगों ने बताया कि जांच की कार्रवाई होना संदेहास्पद लग रहा है। सूत्र बताते हैं कि निजी क्लिनिक का गोरखधंधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनहौला के कर्मचारी की मिलीभगत से चल रहा है। अधिकतर रोगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनहौला से निजी क्लिनिक भेजे जाते हैं। संदेह इस बात की है कि जब रिमझिम क्लिनिक अस्पताल में एक भी डॉक्टर MBBS या महिला डॉक्टर नहीं पाया गया तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आपको यह भी बता दें कि जिस डॉक्टर के नाम से इस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन है वो डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं रहते। मौजूद रहेंगे भी कैसे जब यह डॉक्टर बाहर में पढ़ाई करता हो तो यह अस्पताल रिमझिम क्लिनिक को कैसे देखेंगे? जिस डॉक्टर के नाम से रजिस्ट्रेशन है इस डॉक्टर का नाम जिम्मी कुमार बताया गया। डॉक्टर जिम्मी कुमार बाहर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यह समझा जा सकता है कि अस्पताल को कौन चला रहा है। क्लिनिक के बोर्ड पर लिखा हुआ है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा लेकिन एक भी डॉक्टर नहीं रहते हैं। रिमझिम क्लिनिक में एक भी एम्बुलेंस नहीं रहता है। वहीं इस मामले पर लीपापोती की जा रही है। पूर्व में भी रिमझिम क्लिनिक विवादों में घिरा हुआ रहा था। अब देखना है कितनी बड़ी लापरवाही पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अभी जो जांच किया गया सर रिमझिम और बरसा बेबी केयर में इसमें क्या कमियां पाई गई जांच के? मुझे जो कंप्लेंट मिला था यहाँ पर किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया गया और जिनके पास लाइसेंस नहीं है। हाँ। मैंने जांच किया, मैं था, डॉक्टर मोहन मेरे टीम में थे, BCM साहब थे, CO साहब थे और थाना प्रभारी था। हम लोगों ने जाँच किया, पेशेंट से ही बात किया। पेशेंट का कहना हुआ उनको कोई तरह का दिक्कत नहीं है, अपेंडिसाइटिस का पेन था, छः महीने से परेशान थी, उसी का सर्जरी किया गया था और वो सर्जन जिन्होंने सर्जरी किया वो सर्जन और उनका डिग्री का भी डिमांड किया गया है। उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तब दिखाया, क्लिनिक का लाइसेंस भी इनका दिखाया। क्लिनिक का लाइसेंस मैंने सिविल सर्जन कार्यालय में भेज करके संतुष्टि भी लिया, उसका लाइसेंस इनका सही पाया। सर वहाँ जिस डॉक्टर का लाइसेंस वहाँ पे है ये डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं सर, इसमें आपका क्या कहना? इसके बारे में तो अभी जो मेरी बात हुई इन्होंने बोला ऑपरेशन करके कुछ उनको अर्जेंट काम था जो भागलपुर निकले, तो यहाँ पर एक BMS डॉक्टर मौजूद थे, उन्होंने बोला कि मुझे उनके द्वारा बात किया गया ये इंजेक्शन चलाना है और उस डॉक्टर से ही मेरी फ़ोन पे बात हुई। उनका कहना है कि ऑपरेशन सर मैंने ही किया है और मैं अपना सारा सर्टिफिकेट आपको दे रहा हूँ। सर दूसरा बात ये भी, जो डॉक्टर ऑपरेशन किया है वो धुरैया में पोस्टेड है, गवर्नमेंट डॉक्टर हाँ गवर्नमेंट। सर दूसरा बात ये भी है कि पेशेंट से जब पूछा गया कि कौन डॉक्टर इनका ऑपरेशन किया तो पेशेंट बताने से इनकार किया, बोला डॉक्टर हमको मालूम नहीं कौन डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर का नाम मालूम नहीं था पेशेंट। और पेशेंट के हस्बैंड से भी बात किया गया, पेशेंट के हस्बैंड से ही मैंने पूछा आपको कोई आपत्ति, आपको कोई शिकायत? उनके द्वारा ही मना किया गया, बोला मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, मैं 6 महीने से परेशान था,
अपनी पत्नी का पेट में दर्द लेकर के, और मेरा ऑपरेशन ठीक है, मुझे किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं, मैंने किसी प्रकार का किसी को भी शिकायत नहीं की। और जांच में क्या क्या कमियां पाई गई सर इसमें? जांच में तो मैंने मेनली इसका रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए आया था और पेशेंट से बात करने के लिए आया था। पेशेंट स्टेबल है और आईवी फ्लूइड पर पेशेंट स्टेबल है आफ्टर सर्जरी। और जांच में जो इनका देखा गया कि रजिस्ट्रेशन वगैरह तो इनका वहाँ पर इतने ऑपरेशन हुए हैं, एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। हाँ, इनके बारे में उनको बताया गया कि यहाँ पर डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर जो है डॉक्टर हमेशा रहना चाहिए, लीगल डॉक्टर। यहाँ पर एक DMS डॉक्टर है, इनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया गया कि आइंदा इस तरह की गलती ना हो, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर ऑन द वे है, वो आ गए। सर दूसरा बात ये भी है कि स्वास्थ्य केंद्र के 100 मीटर के दरमियान में कोई भी, जो स्वास्थ्य विभाग का आदेश है कि कोई भी क्लिनिक या अवैध हो या वैध हो नहीं चलनी चाहिए, इसके बारे में तो सिविल सर्जन कार्यालय से ही जो कार्रवाई होगी। और मान लिया जाए इनको रजिस्ट्रेशन सिविल सर्जन कार्यालय से ही मिला, सिविल सर्जन कार्यालय से मिला। सर डॉक्टर की इतनी कमियां पाई गई सर, इतनी लापरवाही पाई गई, तो इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इसमें सारा रजिस्ट्रेशन चेक किया जा रहा है, सारा कागज लेकर के इसका फाइल बनाकर फिर उच्च अधिकारी। अब बरसा बेबी केयर का सर क्या पाया गया? बरसा बेबी केयर के लिए मैं नहीं आया था, हालांकि मैं बैठा हुआ था, उनका भी मैंने कागज चेक करवाया और उनका भी कागज सही पाया गया, उनके पास भी लाइसेंस है और सिविल सर्जन का साइन। सर रनसिंग होम का लाइसेंस है सर इनके पास? क्लिनिक का है कि रनसिंग होम का है? कितने बेड का है? क्या चीज़ लाइसेंस कितने बेड का है? कितने हॉस्पिटल का लाइसेंस है? हॉस्पिटल का, उसमें बेड नहीं लिखा हुआ लाइसेंस, हॉस्पिटल का। अपना परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार दास, मैं MOICCSC सनोला में पोस्टेड हूँ। ये डॉक्टर मोहन कुमार हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल अफसर। आप भी वहाँ पे आए थे सर, इसमें क्या क्या कमियाँ पाई गई सर? प्रभारी बोर्ड जो बताए वो सब सही है, हम भी साथ में वही साथ में थे सर। सर वहाँ पे एक भी डॉक्टर इसमें मौजूद नहीं था सर, इतनी बड़ी लापरवाही। होम्योपैथी वाले नहीं कर सकते, इसके जो भी डॉक्यूमेंट है SDM साहब को बहुत भेज रहे हैं, अगला निर्णय तो वही लोग लेंगे। सर दूसरा बात ये भी है कि सर इतनी ऑपरेशन हुई है सर, कोई डॉक्टर MBBS वहाँ पे मौजूद नहीं है, और कोई तरह का बड़ा घटना घट जाए सर, इसकी जवाबदेही कौन होगा सर? ये तो 6 महीना से हो रहा है, ये लोग पर BMS है वहाँ, सर्जन साहब बोले हैं कि हम देख लेते सर। BMS तो होम्योपैथी के लिए होते हैं सर, लेकिन सर्जन, हाँ आयुर्वेदिक के लिए होते हैं, लेकिन सर्जन वहाँ पे सर्जरी हो रहा है सर, और ये कि इसका क्या काम है सर? इनका सर्जन से तो बात हुई, सर्जन बोले मैं ही ऑपरेशन किया हूँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया मैं ही ऑपरेशन किया हूँ। और मैं सर डॉक्टर भागलपुर में सर, अगर अभी कोई घटना घट जाए सर डॉक्टर भागलपुर साहब, ये चीज़ इनको क्वेश्चन किया गया। हालांकि पेशेंट स्टेबल है, मेरा एम्बुलेंस भी रेडी था, हॉस्पिटल में रेडी करके आया था, अगर पेशेंट को किसी तरह का कोई क्रिटिकल होता तो मैं तुरंत उसको एम्बुलेंस से ले जाता और रिफ़र करता, क्योंकि पेशेंट स्टेबल है इसलिए मैंने पेशेंट को अभी नहीं रेफ़र किया हूँ यहाँ से। और डॉक्टर से ही बात हुई, डिग्री का मैं मेनली जांच के लिए आया था और यहाँ का रजिस्ट्रेशन के लिए मैं मेनली जांच के लिए आया था। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, यहाँ बिना रजिस्ट्रेशन का ऑपरेशन किया गया, डॉक्टर के पास डिग्री नहीं है जिन्होंने ऑपरेशन किया गया, तो मैं डॉक्टर का डिग्री और यहाँ क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन के लिए आया। सर जिस अस्पताल का जो डिग्री है सर, जो रजिस्ट्रेशन जो है, इसकी किस डॉक्टर के नाम से है सर रजिस्ट्रेशन? इसका डॉक्टर जिमी, दिखाइए डॉक्टर जिमी कुमार के नाम। जिमी कुमार, हाँ। जिमी कुमार उपस्थित पाए गए सर? नहीं, जिमी कुमार उपस्थित नहीं पाए गए। जिमी कुमार नहीं पाएगा सर? अगर ये जो नहीं, कुमार भी नहीं था, सर्जन भी नहीं था, कोई नहीं था सर? नहीं, जैसे लिखा हुआ है सर 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, फिर भी यहाँ पे डॉक्टर नहीं था, BMS था। देखिए बहुत क्वेश्चन जितना हम लोग को मिला वो बता दिए, बाकी हम लोग ये कर रहे हैं सर। आगे की कार्रवाई, इससे मतलब जो लापरवाही बढ़ती जा रही है सर, आगे की इसमें क्या रहेगी? निर्देश दिया गया, उसके लिए जो है कागज बनाकर रिपोर्ट हम लोग भेजेंगे, अधिकारी को रिपोर्ट भेजेंगे। परिचय सर आपका? डॉक्टर मोहन कुमार, मेडिकल ऑफिसर। रिमझिम क्लिनिक और बरसा बेबी केयर में आपका एम्बुलेंस लगा हुआ था, जिसमें प्रभारी बोला कि ये अस्पताल का एम्बुलेंस है रिमझिम क्लिनिक का, क्या ये रिमझिम क्लिनिक का एम्बुलेंस है? नहीं, ये मेरा गाड़ी है। आपका एम्बुलेंस है, तो ये कैसे बोल दिया प्रभारी कि नहीं ये एम्बुलेंस वहाँ का है? नहीं, उसका गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी मेरा पर्सनल गाड़ी है। तो वहाँ पे आप जाके क्यों खड़ा किए थे गाड़ी को? धूप था इसलिए हम थोड़ा सा ठंडा हुआ गाड़ी लगाया, ठंडा के वजह से गाड़ी लगाया था। मतलब ये आपका पर्सनल गाड़ी है? जी, मेरा गाड़ी। किस नाम से गाड़ी है ये? रंजन दास के नाम से गाड़ी है। रंजन दास के नाम से गाड़ी आप कैसे प्राप्त हुई थी आपको? ये मुख्यमंत्री जी हमको हर पर कल में दिए थे दो गाड़ी, और हमको वीडियो साहब नहीं दिए थे गाड़ी सब्सिडी, तो मुख्यमंत्री की तरफ से मिला था, सेवा के भावना से गाड़ी मिल जाती है। अच्छा, तो ये क्लिनिक, ये इसका क्लिनिक का गाड़ी नहीं है, ये आपका पर्सनल गाड़ी है। क्या नाम हुआ आपका? रंजन दास।